विधानसभा चुनाव में सपा काटी थी मलाई, अब लोकसभा चुनाव को लेकर छटपटाई। इस पर मैं तफसील में चर्चा करूं, उससे पहले मैं बता दूं कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर 3 दिवसीय दौर पर 21 जुलाई को गाजीपुर पहुंचे और तब उनकी चली जुबान से सपा की इस छटपटाहट का अंदाज मिला। बल्कि मैं यूं कहूं कि सपा की इस छटपटाहट का मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर का NDA में शामिल होना है। जाहिर है बीते विधानसभा चुनाव में योगी मोदी लहर थी, बावजूद सपा सुभाषपा गठबंधन का धमाल ही था कि भाजपा का गाजीपुर में खाता तक नहीं खुला था। सभी 7 सीटों पर सपा सुभाषपा गठबंधन का ही झंडा फहर रहा था, मगर अब जबकि सुभाषपा NDA का हिस्सा बन चुकी है तो सपा की बौखलाहट लाजमी है। गाजीपुर आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पर खूब जुबानी बाण दागे। चौबीस की बात करें तो आपके पुराने साथी रहे ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के पाले में चले गए, कितना मजबूत कर पाएंगे वो अपने आप को? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका नाम तो आप लोग ले ही के हाईलाइट कर रहे हैं। वो कभी स्वयं चुनाव अपने दल से लड़ लें तो खुद ही पता चल जाएगा, तो इसलिए उनके कोई बात रखना, टीका टिप्पणी कराना तो उनको हीरो बनाना है। बाकी हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं क्योंकि मैं सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज को भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी से जोड़ा हूँ और जोड़ने का काम भी कर रहा हूँ। उन लोग का कहना है कि अब 2024 से यूपी में 80-80 सीट लाएंगे। भाई देखिए, उनके पास तो तमाम कल बल छल है, वो तो अपना घोषणा तो करेंगे ही लेकिन धरातल पे कुछ और है। आज जनता सड़क पे इसलिए नहीं आ रही, डर के मारा वो अपने गुस्से का इजहार नहीं कर रही, डर के मारा नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जेल भेज देंगे। जनता जो है महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मतलब इतना नाराज है कि वो मन में बिल्कुल ये बैठा कि कब लोकसभा की घोषणा हो और हम साइकिल पे बटन दबाकर श्री मोदी जी को कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। अभी जो आप लोगों का विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा गया है, इंडिया के नाम पर कई राजनीतिक दलों का ऐतराज है। देखिए ऐसा है, 26 पार्टी के लोग जो है 16, 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में एकत्रित हुए थे। पहला प्रोग्राम पटना में हुआ था, दूसरा प्रोग्राम जो है ये बेंगलोर में हुआ कर्नाटका में, और जो नाम रखा गया है वो किसी को विरोध नहीं है, केवल विरोध है तो भारतीय जनता पार्टी को, केवल उनको विरोध है क्योंकि आज विपक्ष ने तय कर लिया है, क्योंकि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब लुप्त हो गई, जितने विपक्षी दलों के नेता पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए सबको जो है इस चीज का एहसास हुआ है और होता रहेगा कि ये जो है ED, CBI, इनकम टैक्स अधिकारी को लगाकर ये जो है तोड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ लिए तो ईमानदार हो गए और नहीं तो सब भ्रष्ट विपक्ष के नेता। अरे भाई वो अपने दामन में तो झांके, चाहे आप देख लीजिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, श्री शरद पवार, माननीय ममता बनर्जी, माननीय लालू यादव परिवार, माननीय केजरीवाल, तो आप देख ही रहे हैं अब सब भ्रष्ट विपक्ष वाले। अगर हम कोई बात रखें बोले तो हम भ्रष्ट होंगे, वो लोग बड़े ईमानदार, तो इसलिए आज जनता पूरा मन बना लिया और गठबंधन भी पूरा मन बना लिया। अगर उस नाम से ऐतराज है तो वो समाजवादी पार्टी हो, सॉरी भारतीय जनता पार्टी और बाकी किसी के ऐतराज। ऐसे में बात करें तो इन दिनों में राजनीतिक सुर्खियां बना हुआ है मणिपुर। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार किया गया, वीडियो वायरल किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या बताएं? देखिए मणिपुर की घटनाओं को लेकर हम और समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। वो अमानवीय व्यवहार जो वहाँ बहनों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ है, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, आज जो है बेचारे घर बार छोड़कर अन्यत्र हैं,
तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? इसकी इसका कानून व्यवस्था कहाँ है? एक लोकतंत्र के मानने वाले ना संविधान के ना कानून व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, और इतना मणिपुर जल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में घूमने के अलावा उनके पास थोड़ा समय नहीं था कि वो मणिपुर जाकर वो जो पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है उनके आंसू को पोंछने का काम करें। जब देश और अदेश और दुनिया के मीडिया ने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जब लिखना शुरू की, सरकार की घोर निंदा करना शुरू की, तब जाकर सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मिनट कुछ सेकंड अपनी बात मणिपुर पे रखी। इसके पहले क्या हुआ? आज कितने दिन से वहाँ चल रहा मणिपुर, क्या कर रही वहाँ की सरकार? खास यह कि सपा राजभर बिरादरी के बड़े पॉकेट वाले इलाकों में ही राम अचर राजभर का कार्यक्रम लगाई है। पहले दिन वह सदर और जंगीपुर, जबकि दूसरे दिन जखनिया और सैदपुर में उनकी सभाएं हुई, और आखिरी दिन 23 जुलाई को मोहम्मदाबाद तथा विधानसभा में कार्यक्रम लगा है। गौर करें, जहूराबाद और जखनिया राजभर बिरादरी का सबसे बड़ा पॉकेट है, बल्कि इन दिनों विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुभाषपा ही कर रही है। जहूराबाद में तो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ही विधायक हैं।